वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, हम सभी माँ के उपासक हैं, हम सभी माँ के साधक हैं, आराधक हैं। इसी के हेतु हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम सभी माँ की प्रिय सामग्री माँ को अर्पित करें और प्रसाद स्वरूप फिर उसे प्राप्त करें। तो आप कहेंगे, स्वामी जी, ऐसी सबसे प्रिय सामग्री क्या है जो माँ को बहुत प्रिय है? तो आप सभी बार बार मन के अंदर ये प्रश्न करेंगे, तो मैं आपके बीच वो सामग्री दिखाता हूँ। माँ को सबसे प्रिय सामग्री है ये। माँ को आराधना में सबसे, आप जब उनकी पूजा करेंगे, बहुत सबसे प्यारी है। इसके ऊपर नींबू लगाकर आप पूजा में स्थली में रख सकते हैं। इसको रखने से आपके घर के अंदर भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, वैसा वाला होने वाला है, भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। ये भी एक प्रकार से माँ का स्वरूप है, भवानी है यह। जय भवानी, जय शिवाजी। तो यह जो माँ की प्रिय सामग्री है, यह आप सभी के घरों में होनी चाहिए, ऐसा मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है। अब आप समझ रहे होंगे, लीगल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, संवैधानिक भाषा में समझा रहा हूँ। आप सभी के घरों के अंदर माँ की सबसे प्रिय सामग्री होना चाहिए। तो आप कहेंगे, स्वामी जी, हमको तो मिलता भी नहीं है प्रिय सामग्री, कहाँ से प्राप्त करें, कहाँ से प्राप्त करें? हाँ, तो इसके लिए हमारी संस्था ने एक कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर शुरू किए। आप वहाँ पर कॉल कीजिए, आपके घरों तक अच्छी क्वालिटी की, जो माँ को प्रिय है, जो माँ समाज की रक्षा के लिए इस प्रकार की, जो, क्योंकि इससे भूत पिशाच भागते, पता है आपको, भवानी का नाम सुनते ही भूत पिशाच भाग जाते हैं। तो ये जो माँ भवानी अच्छी क्वालिटी की आपके घरों तक पहुँचेगी, इसके लिए आप सभी विनम्र निवेदन है, अपने घरों के अंदर 1, 2, 3 जितने जितने सदस्य हैं, उतनी उतनी प्रत्येक सदस्य के पास एक माँ की प्रिय सामग्री होनी चाहिए। इसके ऊपर नींबू लगा के भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको इसके अंदर भी रख सकते हैं। जब पूजा का समय आएगा तब इसको निकाल लेना और फिर पूजा करके वापस रख सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर नींबू लगा के पूजा के समय इस पर सिंदूर लगाकर इसको रख सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया माँ को प्रिय सामग्री है, सभी हिंदू भाइयों बहनों के घर में होनी चाहिए। ये भूत पिशाच, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, जिन, जिन्नात, इन चीज़ों से आपके परिवार की रक्षा करेगी। समझ रहे हो ना आप, मैं लीगली बोल रहा हूँ, भूत पिशाच कौन है वो आप समझ जाना, उनसे आपकी रक्षा करेगी, ठीक है? तो आप सभी आज ही तुरंत अपने घरों के लिए यह पूजन सामग्री, माँ की प्रिय सामग्री मंगवाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। Thank you.